मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और झमाझम बारिश का भी सिलसिला जारी है। लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने सीहोर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी समेत 18 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इधर बीते 4 दिनों से ग्वालियर चंबल में तेज बारिश का दौर चल रहा है। सोमवार को 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में अभी सदर्न पार्ट में अच्छे से बारिश चल रही है। कल भी देखा गया तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल का भी वेरी हेवी और हेवी भी दर्ज किया है। सीहोर में 109 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया है और मंडला में 66 मिलीमीटर दर्ज किया है। तो ये अभी मानसून ट्रफ का पोजीशन देखा गया तो भी वो रायसन के ऊपर से जा रही है, तो साउथ वेस्ट सेक्टर में अभी भी बारिश होने का चांसेस है। हमने आज 13 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हेवी रेनफॉल वार्निंग दे रही है। 6 सेंटीमीटर तक बारिश होने का चांसेस है और थंडरस्टॉर्म भी साथ साथ रहेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस है। तेज बारिश से भले ही तापमान में गिरावट आई हो, लोगों को गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन जल भराव की समस्या भी सामने आने लगी है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।